बेरमो विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह ने कराया नामांकन। बेरमो विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर के महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने तेनुघाट निर्वाची पदाधिकारी अनंत कुमार झा के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुरूप नियमों का पालन करते हुए केवल दो अन्य लोग ही नामांकन के वक्त मौजूद थे। खबर 365 न्यूज के लिए बोकारो ब्यूरो विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट। पर बेरमो की जनता पिछले 50 साल से मेरे परिवार को, पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी मेरे परिवार के मुखिया थे, उनको भी आशीर्वाद दिया, मेरे पिता को भी आशीर्वाद दिया और आगे उन्हीं के काम पर मुझको भी आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को वो गलत नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि पूर्वजों का आशीर्वाद, पूर्वजों का संस्कार मेरे साथ है। विपक्ष का बात है, वंशवाद खाली उनको हमारे यहाँ दिखाई देता है। मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं वंशवाद में हूँ। मेरे पिता ने जो संस्कार दिया, अगर मैं बेटा हूँ लायक तो मैं अपने पिता का संस्कार को आगे बढ़ाते हुए बेरमो की सेवा करते रहूंगा। लेकिन क्या बीजेपी में वंशवाद नहीं है? क्या वो जैन सिन्हा को यशवंत सिन्हा का बेटा नहीं मानते या राजनाथ सिंह के बेटे को पंकज जी को राजनाथ सिंह जी का बेटा नहीं मानते? जय शाह में क्या काबिलियत थी कि वो बीसीसीआई में बन गए? आपके सपनों को लेकर के प्रहार किया है, उस पे क्या बोलेंगे? मेरे सपने नहीं, मेरे पिता के सपने हैं और मेरे पिता के सपने निश्चित तौर पर मेरे लिए सबसे परम चीज है कि मैं उनको पूरा करूं। जो सपने की बात कर रहे हैं, मेरे सपनों की बात कर रहे हैं, शायद उनको ये नहीं मालूम है कि मेरे ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जो मेरे सपनों की बात कर रहे हैं उनके ऊपर घोटालों की आरोप सिद्ध हुई।